आज की जो हमारी यूनिक रेसिपी है उसमें मैं आपको आई शेडो पैलेट बनाना सिखाऊंगी, और उसके लिए आपको कोई भी इस तरह का एम्प्टी पैलेट चाहिए होगा जो कि या तो डैमेज्ड हो गया हो या फिर यूज्ड हो, उसे धो लें और उसे अपनी रेसिपी में यूज़ करें। और ये मैं आपको आई शेडो पैलेट बनाना सिखाऊंगी बीटरूट जूस से, यानी चुकंदर के जूस से। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं बीटरूट का जूस निकालूंगी, जूसर की मदद से निकालूंगी। आप चाहें तो आप ग्रेट करके स्क्वीज़ करके भी इसका जूस निकाल सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। मैं इस वक्त अपना जूसर यूज़ करूँगी इसका जूस निकालने के लिए। ये जो बीटरूट जूस मैंने निकाला है इसे अब मैं इस तरह से स्ट्रेन करूँगी। जाली है, जाली के ऊपर मैंने ये कपड़ा रखा हुआ है जो मैं इन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। जॉर्जेट का कपड़ा है, अगर आपके पास ये नहीं है, मलमल का कपड़ा है तो आप वो यूज़ कर लें। ये इस तरह से जूस आप स्ट्रेन कर लें ताकि इसमें जो थोड़े बहुत चंक्स वगैरह, ज़र्रात वगैरह जो रह गए हैं वो बिल्कुल निकल जाएँ, ताकि जो हमारा आई शेडो बने वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। ये जो प्रोसेस्ड बीटरूट जूस हमारे पास आया है इसे मैं सॉस पैन में, सॉरी फ्राइंग पैन में डाल रही हूँ और अब मैं इसे पकाऊंगी। आप देख सकते हैं कि बीटरूट जूस पकना शुरू हो गया है। अब हमने इसे थिक करना है। जूस की थिकनेस कितनी होनी चाहिए इसके लिए आपको अपने अंदाजे का भी इस्तेमाल करना है। ये आप देख रहे हैं, ये मेरे हिसाब से काफ़ी थिक हो गया है। इस स्टेज पर इसको बंद कर दें। जूस को पका कर आपने इतना थिक करना है कि आपको लगे कि अब ये मज़ीद थिक नहीं हो सकता, बल्कि अब ये सॉस पैन के साथ या फ्राइंग पैन के साथ चिपकना शुरू हो गया है और जलना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर आने से पहले आप इसकी हीट ऑफ कर दें और आपने इनिशियली भी इसको बहुत हल्की आंच पे पकाना है। इस थिक किए हुए बीटरूट जूस को इस आई शेडो पैलेट में आप ट्रांसफ़र कर दें। थिक किए हुए बीटरूट जूस को मैंने इस तरह से इस आई शेडो पैलेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं इसे सायदार जगह या कमरे में या किचन में किसी हवादार जगह पर इसे सूखने के लिए और कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए रख दूंगी। आप देख सकते हैं कि आई शेडो पैलेट कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। इसे ड्राई होने में 3 दिन भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता लग सकता है और 10 दिन भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है वेदर कंडीशन पर। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ड्राई वेदर है तो कम टाइम लगेगा। साथ ही साथ जूस में वाटर कंटेंट पर भी डिपेंड करता है, और जूस में जो सॉलिड कंटेंट्स हैं जैसे मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं, शुगर्स हैं, उनकी क्वांटिटी पर भी डिपेंड करता है। बहरहाल आप इसको रख के भूल जाएं, ये बिल आखिर इस तरह से ड्राई फॉर्म में इसको अप्लाई करना बहुत ही आसान है। आप इसे ब्रश की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे फिंगर टिप्स की मदद से अप्लाई करना ज़्यादा ईजी लगता है। हल्के से पानी में या रोज़ वाटर में इसे डिप करें और इसके बाद इसे इस तरह से कंटेनर में जिसमें आपने बीटरूट जूस बना के रखा हुआ है उसमें आप थोड़ा सा इसको ब्लेंड करें ताकि विस्कस हो जाए, थिक हो जाए, और इसके बाद आप इसे अपनी आईलिड्स पर इस तरह से अप्लाई करें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।